जिला मंडी में नौजवान सभा द्वारा जोनल अस्पताल मंडी का घेराव किया गया। ये घेराव गत दिवस पहले एक गर्भवती महिला व उसके नवजात शिशु को मृत्यु को लेकर किया गया। नौजवान सभा के जिला सचिव महेंद्र राणा ने बताया कि गत दिन पहले एक गर्भवती महिला आशा व उसके नवजात शिशु की मृत्यु जोनल अस्पताल की लापरवाही बरतने से हुई है, जिसको लेकर उन्होंने यहां प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस मामले को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई है। उन्होंने मांग उठाई है कि महिला के परिवार को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। राणा ने बताया कि गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अस्पताल में जांच कमेटी बनाई गई है, उसकी न्यायिक जांच हो। नौजवान सभा ने महिला के परिवार को 4 गुना मुआवजा देने व मामले की न्यायिक जांच की निष्पक्ष मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो भविष्य में उग्र आंदोलन करेंगे, और जिसकी जिम्मेवारी अस्पताल प्रशासन व प्रदेश सरकार की होगी। आज हमने प्रदर्शन किया है हॉस्पिटल के बाहर, ये इसलिए है कि जो पिछले 23 तारीख को गर्भवती महिला आशा और उसके नवजात शिशु की मृत्यु हुई है, उसकी न्यायिक जांच की मांग को लेकर और 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर, और तीसरा जो अस्पताल में जो अव्यवस्था है, जो गरीबों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस चीज को लेकर हमने आज ये प्रदर्शन किया है। और हमारे प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि ये घटना उसके साथ घटी है, वो बहुत दूर दराज की महिला थी। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में किसी दूसरी महिला के साथ ये घटना ना घटे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी गर्भवती महिला की मौत नहीं होती है। वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल नहीं होगी तो डॉक्टर सिजेरियन करते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही की है, जांच में कोताही बरती है, और जिस कोताही के कारण जो है गर्भवती महिला की मृत्यु हुई है। और हैरानी की बात तो तब है जब जो है इस अस्पताल प्रशासन ने एक जो है मृत महिला को रेफर किया, और जब आस्था अस्पताल में चेक किया जाता है और कहते हैं कि आधा घंटा पहले महिला की मृत्यु होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या जरूरत थी एक मृत महिला को रेफर करने की। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है, जांच कर रहे हैं, हम उस कमेटी से संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो है इसकी न्यायिक जांच की जाए और महिला के जो परिवार को 4 गुना मुआवजा दिया जाए। और इस मांग के साथ यदि हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में नौजवान सभा इस प्रदर्शन को और उग्र करेगी। और हमारी ये प्रदेश सरकार से मांग है कि 7 दिन बीत गए लेकिन कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये इससे भी बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार संवेदनहील है। और हमारी ये मांग है अगर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, अगर ओवरबर्डन है, तो डॉक्टरों की सीटें बढ़ाई जाए और जो वैकेंट सीटें हैं उनको भरा जाए।